सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल टेक बॉय में। तो आज मैं आपके लिए ऐसी बेस्ट ट्रिक लेकर आ चुका हूँ जिससे आप जो मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कि आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कैसे कर सकते हो, तो फॉर्मेट करने के बाद जो आप ड्राइवर डालोगे तो वो कैसे डालोगे उसका प्रोसेस मैं आज आपको बताऊँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ट्रिक को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो मेरे पास तो इंटरनेट कनेक्शन है, तो ये देखिए मैं इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ। इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद हमें किसी भी अपने पीसी ब्राउज़र है या जो भी ब्राउज़र है पीसी में उसको ओपन कर लेना है। तो मैं तो ओपन कर ले रहा हूँ। हाँ, ब्राउज़र ओपन होने के बाद यहाँ पे टाइप करना है, तो मैं आज आपको दो तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने पीसी के ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मतलब जिस भी पीसी का ड्राइवर डाउनलोड करना है, जैसे कि मेरा पीसी है डेल कंपनी का, मेरे को डेल का ड्राइवर डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे मैं लिखाऊंगा डेल ड्राइवर, ये यहाँ पर लिखना है। डेल ड्राइवर लिखने के बाद एंटर प्रेस कर देना है। और जो फर्स्ट लिंक आती है इस पर क्लिक कर लेना है। फर्स्ट नहीं, ये जो सेकंड है इंडिया, ये डेल इंडिया, इस पर क्लिक करना है मेरे को। ये यूएसए वाली थी और ये देखिए ये इंडिया वाली, तो इसको क्लिक कर देना है, इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद का प्रोसेस, तो उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर टाइप करना है ड्राइवर्स, जो ये वाट लिखा है यहाँ पर टाइप करना है ड्राइवर्स। ठीक है, उसको मैं टाइप कर लूँगा ड्राइवर्स। टाइप करने के बाद उसको एंटर क्लिक कर देना है। तो ये जो लिखा हुआ है डेल ड्राइवर एंड डाउनलोड, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो ये जो लिंक पर क्लिक किया है तो ये भी सर्च हो रही है। ठीक है, और सर्च हो रही है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल है, इसलिए आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक लेकर आता रहूँगा मेरे नए चैनल। फिर उसके लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि आप पूछ रहा है हमारे को, एंटर डेल सर्विस टैग नंबर या जो भी है कुछ पूछ रहा है हमारे को। तो हमें यहाँ पे अगर आपको सीरियल नंबर याद है तो ये यहाँ पे लिख दीजिए। सीरियल नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं आपको बता चाहता हूँ, अपने जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसके नीचे की साइड आपको लिखा हुआ होगा कि टैग नंबर, और कुछ जैसे 4-5-7 अक्षर लिखे होंगे, तो वही टैग नंबर है लैपटॉप का। और अगर आपको नहीं पता तो आप इसको डायरेक्टली डिटेक्ट पीसी भी कर सकते हो, डिटेक्ट में ये ऑटोमेटिकली आपके पीसी को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आपके पीसी में जो ड्राइवर बाकी है या जो भी बाकी है वो ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर हमें डिटेक्ट पर टैग कर लेना है। और फिलहाल हमारे सामने ये पेज ओपन हो चुका है, तो मैं यहाँ पर इसको नीचे कर लेता हूँ। और जो ये लिखा हुआ आई हैव रीड एग्री सपोर्ट ये वगैरह है, उसके हमें कंटिन्यू कर लेना है। और ये हमारे सामने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लग रहा है या शुरू हो रहा है, ये देखिए जो है ये 509 KB का ही है। और इसके बाद ये आपका मतलब जो ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर बाकी है और कौन सा मतलब बाकी नहीं है। तो जो भी आपका सॉफ्टवेयर अधूरा रहा है या इंस्टॉल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा और आप आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ उसको। और जो ये हमारा सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो चुका है, अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये जो रन लिखा हुआ है यहाँ पर करेंगे और इसको मतलब इंस्टॉल कर लेंगे। और हमारे जो भी सॉफ्टवेयर है या ड्राइवर है वो जो अधूरे रहे हैं या इंस्टॉल नहीं है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आसानी से डाउनलोड कर लेगा। और उसका प्रोसेस मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और दूसरी जो ट्रिक है वो आप है
ये तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर इसका मतलब आगे आपको प्रोसेस नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख के बता दीजिएगा, मैं आपके लिए नई वीडियो बना दूँगा। और जो दूसरा है वो है ड्राई पैक सोल्यूशन, ये लिखना आपको। ये लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस कर लेना है और इस पे जो फर्स्ट लिंक आ रही है वो उसको आप ओपन करेंगे और उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके ये ऑटोमेटिकली अपने जो सॉफ्टवेयर है या ड्राइवर है वो नहीं है या पीसी में नहीं है या नहीं रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके अपने आप इसको इंस्टॉल कर लेगा। लेकिन आपके पास इसके लिए एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी ये सॉफ्टवेयर दोनों सॉफ्टवेयर ये रन करेंगे और तभी दोस्तों ये सॉफ्टवेयर रन करेंगे और तभी आपके जो वायरस मतलब जो ड्राइवर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी आसानी से।